स्टूडेंट एंड प्रतीक्षा गहलोत फ्रॉम सुमिता ग्लोबल स्कूल। अपन चैप्टर फोर रीड कर रहे थे, आज अपन चैप्टर फोर देखेंगे एक्टिविटी नंबर 4.9। देखो, लाइट अ कैंडल, कीप वन हैंड अबाउ द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ। आपको थोड़ा सा फ्लेम के ऊपर हाथ रखना है, कैंडल लगाने सबसे पहले, उसके बाद में आपको कैंडल के ऊपर हाथ रखना है और कैंडल के पास में हाथ रखना है जहाँ फ्लेम जल रही है। डू योर हैंड फील इक्वली हॉट? क्या आपको दोनों हाथों में सेम हॉट महसूस होगा? इफ नॉट, विच हैंड फील हॉटर एंड व्हाई? और अगर नहीं लगेगा तो कौन से हाथ में आपको ज्यादा फील होगा और कौन से में नहीं? एक बार आपको ना हाथ ऐसे ऊपर रखना, एक बार पास में। नोटिस दैट टुवर्ड द टॉप द एयर गेट हीटेड बाय कन्वेक्शन। क्या बताया था कन्वेक्शन मतलब क्या बताया था? द प्रोसेस कंटिन्यू टिल द वाटर गेट हीटेड। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन, यानी कि एक जगह से दूसरे के पास होना हीट हो गया, क्या कहलाता है? कन्वेक्शन। द एयर गेट हीटेड बाय कन्वेक्शन, जो आसपास की एयर है वो गर्म होगी। Therefore, hand above the flame feels hot. इसीलिए जो हाथ ऊपर होगा ज्यादा, उसमें ज्यादा अपन को क्या लगेगा? हॉट ज्यादा लगेगा, ठीक है? क्योंकि क्या हो रहा है, इसके आसपास की जो एयर है वो भी गर्म होगी, तो उसकी वजह से जो हीट होगी सबसे पहले कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। अब देखो, on sides, however, there is no convection and air does not feel as hot as at the top. और जो साइड में होगा वो कन्वेक्शन नहीं होगा और वहां पे एयर इतनी ज्यादा फील नहीं करेगी हॉट से जितनी वो करती थी टॉप में। द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमेना। जो लोग जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं ना, वो अलग अलग मतलब चीजें एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कि ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट हीटेड फास्टर देन वाटर। जो जहाँ पे वो रहते हैं वहां की जो लैंड होती है बहुत ज्यादा जल्दी गर्म होती है, किसके कंपेयर में? वाटर के। द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर एंड राइजेस अप। वहां पे जो एयर होती है, वहां की जो एयर होती है वो क्या होती है? गर्म ज्यादा हो जाती है जो लैंड के ऊपर एयर होती है, और वो जल्दी से गर्म बनाती है उसको और ऊपर की तरफ उठती है। यानी कि ये लैंड है, द एयर ओवर द लैंड, यानी कि ये लैंड है, लैंड के आसपास की एयर यानी कि उनके ऊपर वाली जो हवा होगी वो ज्यादा जल्दी गर्म होगी और इसी वजह से क्या होगा, ये ऊपर की तरफ उठने लगेगी। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेज इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट प्लेस। और जो सी होती है यानी कि जो समुद्र होता है, वहां की जो एयर होती है ना उसके ऊपर की, वो थोड़ी सी ठंडी होती है और वो कहाँ जाती है? टूवर्ड द लैंड टेक इट टू प्लेस, यानी कि वो लैंड के पास जाती है। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड द सी टू कंप्लीट द साइकिल। और जो लैंड के जो ऊपर गर्म हवा होती है वो कहाँ जाती है? सी के पास, यानी कि जो गर्म हवा होती है वो जाती है सी के पास और जो ठंडी हवा होती है वो जाती है लैंड के पास। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रीज। जो हवा सी के अंदर से आती है उसको क्या बोलते हैं? सी ब्रीज। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडो ऑफ द हाउस इन कोस्टल एरिया मेड अप ऑफ द सी मेड टू द फेस द सी। यानी कि जो ना जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं उनकी जो घर की जो विंडो होती है वो कहाँ की साइड होती है? सी के साइड होती है। एट नाइट इट इज एग्जैक्टली द रिवर्स, और रात को एक पूरा उल्टा होता है। The water cooled down more slowly than the land, यानी कि जो पानी होता है वो धीरे धीरे क्या होता है? कूल होता है। किसके कंपेयर में? लैंड के। यानी कि द वॉटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड, यानी कि जो पानी होता है वो धीरे धीरे ठंडा होता है लेकिन लैंड क्या होती है? बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी, दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। यानी कि देखो आपको Yeah.
ये है लैंड और ये है सी। क्या है ये? सी और ये है लैंड। इन दोनों के ऊपर जो एयर होती है और इसके ऊपर भी एयर होती है। जो एयर इसके ऊपर से लैंड के पास आएगी वो क्या कहलाएगी? सी ब्रीज। और जो एयर लैंड के ऊपर से सी के पास आएगी वो क्या कहलाएगी? लैंड ब्रीज। ठीक है, और देखो क्या था, द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी। और रात को क्या होता है, जो हवा ठंडी होती है लैंड के ऊपर वो कहाँ जाती है? सी के पास जाती है। When we come out in the sun, जब अपन धूप में बाहर आते हैं, we feel warm, यानी कि हमें गर्मी लगती है। How does the heat from the sun reach us? जो heat होती है, जो गर्मी होती है, sun से हमें कैसे मिलती है? It cannot reach us by the conduction or convection. तो ये conduction या convection से तो आती नहीं है। As there is no medium such as air in most part of the space between the earth and sun. अर्थ और सन के बीच में अलग अलग जगह पे ऐसी जगह है जहाँ पे एयर है ही नहीं, तो फिर कंडक्शन और कन्वेक्शन तो होगा ही नहीं, तो फिर हमें गर्मी कैसे लगती है? देखो सी ब्रिज और लैंड ब्रिज, डे का टाइम है यानी कि धूप का टाइम है, तो उसमें जो सी का जो कूल एयर है वो कहाँ जा रही है? ऊपर की तरफ। देखो ये देखो क्या दे रखा है, जो सी की हवा है यानी कि जो ठंडी हवा थी वो कहाँ जा रही है? ऊपर की तरफ। और जो गर्म हवा थी जो लैंड के ऊपर जा रही है वो कहाँ जा रही है? सी की तरफ। और रात में क्या होता है, जो लैंड पे कूल हवा होती है वो जाती है सी की तरफ और जो गर्म हवा होती है वो होती है लैंड की तरफ। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो सन से हमें हीट मिलती है, जो गर्मी मिलती है वो तो कंडक्शन या कन्वेंशन से नहीं होती, तो वो किससे होती है? फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय द अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन, यानी कि सूरज से जो हवा हमें मिलती है यानी कि हीट वो किसके थ्रू होती है? रेडिएशन के थ्रू। The transfer of heat by radiation does not require any medium. यानी कि जो heat radiation से हमें मिलती है उसको किसी भी medium की जरूरत नहीं होती है, किसी भी और चीज की जरूरत नहीं होती है ताकि वो heat को अपने पास लाए। radiation से heat अपने आप अपने पास आ जाती है। It can take place whether a medium is present or not. हो जाती है जब मीडियम प्रेजेंट होता है या नहीं होता है। When we sit in front of room heater, we get heat by this process. यानी कि जब अपन सर्दियों में रूम हीटर लगाते हैं घर पे और उसके सामने बैठते हैं तो वो भी रेडिएशन के थ्रू ही होता है, यानी कि गरम गरम उसके अंदर से क्या निकल रही है? रेडिएशन निकल रही है। A hot utensils keep away from the flame cool down as it transfer heat to the surrounding by radiation. यानी कि गरम बर्तन होगा उसको अपन है ना थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे, तो ये जो गर्म बर्तन है इसके अंदर से जो हीट होगी ना वो कहाँ चली जाएगी? सराउंडिंग के अंदर, यानी कि आसपास के एरिया के अंदर। और किसके थ्रू जा रही है? रेडिएशन से। आवर बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग एंड रिसीव हीट फ्रॉम इट्स बाय रेडिएशन, यानी कि जो अपनी बॉडी होती है वो भी अपनी जो अंदर की जो गर्मी होती है वो किसको देती है? सराउंडिंग को, और रिसीव करती है हीट कहाँ से? रेडिएशन। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट, जितनी भी गर्म बॉडी होगी वो हीट देगी। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, जब ये हीट होती है जो गर्मी होती है किसी और ऑब्जेक्ट पे जाती है, अ पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड, यानी कि उसका कुछ पार्ट क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा, यानी कि जो गर्म बॉडी थी से हीट निकल रही है रेडिएशन के थ्रू,
तो ये वापस टकरा के क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि इससे टक्कर खा के वापस बाहर की तरफ चली जाती है। अ पार्ट इज एब्जॉर्ब एंड पार्ट मे बी ट्रांसमिटेड, जो कुछ पार्ट क्या हो रहा है एब्जॉर्ब हो रहा है और कुछ पार्ट क्या हो रहा है ट्रांसमिटेड हो रहा है। The temperature of the object increased due to the absorbed part of the heat. यानी जो temperature होता है उस object का वो increase होता है due to the absorbed part of the heat. यानी कि ये यहाँ पे एक object था, यहाँ पे इसने क्या किया, heat ली थी, तो heat लेने से क्या हुआ इसका temperature भी बढ़ गया। Why? Are you advised to use an umbrella when you go out in the sun? आप अम्ब्रेला का क्यों यूज करते हो जब आप बाहर जाते हो सन में, तो क्या करता है वो अम्ब्रेला, देखो ये ह्यूमन है, इसने अम्ब्रेला उठाया है, तो जो सन होगा उसकी रेडिएशन के ऊपर आएगी तो टकरा के वापस चली जाएगी, तो उसको इतनी गर्मी नहीं लगेगी जितनी वो पहले अगर बिना अम्ब्रेला के चल, ठीक है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है काइंड ऑफ क्लोथ वी वियर इन समर एंड विंटर, यानी कि ऐसे कौन से कपड़े हैं जो अपन सर्दी में भी पहनते हैं और गर्मी में भी पहनते हैं, किस किस टाइप के। यू नो दैट इन समर वी प्रिफर लाइट कलर्ड क्लोथ्स, इन विंटर वी यूजुअली वियर डार्क कलर्ड क्लोथ, यानी कि गर्मियों में अपन कैसे कपड़े ही पहनते हैं जिसका कलर लाइट होता है, और सर्दियों में जिन कपड़ों का कलर डार्क होगा तो उन कपड़ों को पहनेंगे। एक्टिविटी नंबर 4.10 देखो क्या बोल रहे हैं, टेक टू आइडेंटिकल टिन कैंस, पेंट द अदर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड वन व्हाइट, यानी आपको दो कैन लेने हैं जिसमें से एक को व्हाइट कलर करना है और एक को ब्लैक। Pour equal amount of water in each and leave them in midday sun for about an hour. दोनों में पानी डालना है, पानी डालने के बाद में देखोगे और उसको क्या करना है थोड़े एक घंटे के लिए दिन में उसको छोड़ देना है सन की रोशनी में। Measure the temperature of water in both the cases. उनके बाद में क्या करना है उन दोनों के टेम्परेचर को नोट करना है, तो आपको डिफरेंस दिखेगा। डिफरेंस क्यों दिखेगा, जो ब्लैक कलर को अपन कर रहे हैं, जो ब्लैक कलर अपन कैन पे कर रहे हैं वो ज्यादा गर्म होगा, क्योंकि क्या होता है जो ब्लैक कलर होता है वो हीट को जल्दी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब देखो इसीलिए तो डार्क जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना वो जल्दी हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, उस वजह से क्या होगा कि वो पानी जल्दी गर्म होगा। एक्टिविटी 4.11 क्या बोल रही है, फिल द टू कैंस यूजिंग एक्टिविटी 4.10, यानी कि आपको दो कैंस लेने हैं उसको पानी से फिल करना है विद द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर एट द सेम टेम्परेचर, गर्म पानी फिल करना है सेम टेम्परेचर पर यानी कि 60 डिग्री सेल्सियस पे। लीव द कैन इन अ रूम और इन एक आपको रूम में रखना और एक बाहर रखना है। नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10 टू 15 मिनट, डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस फॉल बाय द सेम अमाउंट, तो जो पानी ठंडा हो रहा है तो सेम अमाउंट पे ठंडा हो रहा है। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है कि अगर हम ठंडी जगह पे रहेंगे तो हमें गर्मी कम लगेगी, बस इतना याद रखना आपको, अगर आप ब्लैक डार्क कलर के कपड़े पहनोगे तो आपको गर्मी ज्यादा लगेगी और लाइट कलर के कपड़े पहनोगे तो आपको गर्मी कम लगेगी, इसलिए अपन को डार्क कपड़े कब पहनते हैं सर्दियों में, ताकि हमें हीट मिले, हीट मिलने से अपन क्या रहेंगे गर्म रहेंगे, और गर्मी में तुमको क्या बोला जाता है कि आप लाइट कलर के कपड़े पहनो ताकि आप ठंडे रहो। डार्क सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन विंटर, ठीक है। Light colored clothes reflect most of the heat and falls on them. Therefore, we feel more comfortable wearing them in summer. जो light color के कपड़े होंगे वो heat को वापस reflect कर देते हैं।
जो डार्क कलर के कपड़े होंगे वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उस वजह से हमको गर्मी लगती है। वूलन क्लोथ्स कीप्स इन कीप्स अस वार्म, यानी कि जो गर्म कपड़े होते हैं वो उनको गर्म क्यों रखते हैं सर्दियों में। इन द विंटर वी यूज वूलन क्लोथ, वूलन इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि क्या है हम गर्मी सर्दियों में वूलन के कपड़े पहनते हैं यानी कि ऊन के कपड़े, और वूलन क्या पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है यानी कि हीट उसमें से बहुत मुश्किल से बाहर निकलती है। मोर ओवर देयर एयर इज ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूलन फाइबर्स, यानी कि देखो एक कपड़ा दे रखा है एक कपड़े दे रखे ये वूलन का क्लोथ है, उसके अंदर जो एयर होगी ना वो उसके अंदर ही ट्रैप रहती है यानी कि उसके अंदर ही रुकी हुई रहती है, तो उस वजह से क्या होता है द एयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू कूल सराउंडिंग सो वी फील वार्म, अपने बॉडी की जो हीट होगी वो ये एयर उस हीट को कपड़ों से बाहर नहीं निकलने देगी, अगर हीट बाहर ही नहीं निकलेगी अपनी बॉडी से तो अपन गर्म रहेंगे, इसलिए क्या बोला जाता है एक सर्दियों में वूलन के कपड़े पहनने चाहिए। नेक्स्ट है सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग आइदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिक ब्लैंकेट जॉइंट टुगेदर, व्हाट वुड यू चूज एंड व्हाई, रिमेंबर दैट देयर वुड बी लेयर ऑफ एयर बिटवीन द ब्लैंकेट, आपको बोला जा रहा है कि आप एक ब्लैंकेट लो, आपको बोला कि आप दो ब्लैंकेट लो, तो देखो दो ब्लैंकेट लेंगे तो उसके बीच में एयर होगी, तो एयर की वजह से क्या होगा अपनी बॉडी में से जो हीट होती है वो बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है देखो अपना ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट, अब इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है तब तक के लिए इस चैप्टर का अच्छे से रीड करो, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो जब आपकी लाइव क्लासेस होंगी तो आप उसमें मुझसे पूछ लेना। आपको समझ में आया वूलन क्लोथ क्यों पहनने चाहिए, ताकि वो क्या करते हैं अपने वूलन कपड़े जो होते हैं ऊन के जो कपड़े होते हैं वो अपने खुद के अंदर एयर को ट्रैप करके रखते हैं यानी कि हवा को, इस वजह से जब अपन कपड़े पहनते हैं तो अपनी बॉडी की जो हीट होती है वो बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए अपन गर्म रहते हैं। और गर्मियों में अपन को लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि लाइट कलर क्या करता है सन की लाइट को या रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देता है, और डार्क कलर के कपड़े क्या होते हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है समझ में आया सबको, गुड बाय, स्टे होम स्टे सेफ।